धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ तैयारी करके इस बिजनेस को जो मैकेनिक्स है उसको सीखने के लिए आप सबकी मदद से इन्वाइट करना चाहता हूं मिस्टर पोखरियाल यादव फ्रॉम पटना। सीरियस का मतलब ये नहीं कि आप लोग सीरियस हो जाइए, एकदम फैक्ट क्या है, क्या प्रिवेल कर रहा है अभी आज की तारीख में बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब इन जनरल एंड अक्रॉस द कंट्री इन पर्टिकुलर, आपके साथ क्या क्या घट रहा होगा और सब जगह क्या घट रहा है उस पर बात करेंगे। पहले हम इश्यूज को फ्लैग करते हैं, क्या क्या इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे, उसके बाद तब हम आपसे बात करेंगे कि उन इश्यूज पर कैसे निकलना है। और बस एक साल और, एक साल के बाद, मतलब एक साल भी नहीं कहना चाहिए, सितंबर से क्या होने वाला है उस पर भी थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली चीज जो आपके मन में चल रहा होगा प्रश्न, वो चल रहा होगा कि आपके फेथ, आपका जो विश्वास आस्था है उसमें कमी आई होगी, इफ आई कैन रिकलेक्ट। और ये बहुत स्वाभाविक है, इस पर हम अभी बात करें, इरोजन ऑफ फेथ, और ये सब जगह होता है। अरे देश का इरोजन हो जाता है फेथ का, 91 सोच के देखिए, देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हुई थी, चंद्रशेखर जी थे उस वक्त, मतलब उनका दोष नहीं था, कंट्री उस दौर से गुजर रहा, ट्रांजिशन का फेज था, आपको याद है, लेकिन 90 में इस देश की अर्थव्यवस्था खुल गई, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो गया, सभी चीजें ओपन होना शुरू हुई, तो वो ट्रांजिशन का फेज था, मतलब एक पुराने चीज से निकल के नए चीज में। एमवे बिजनेस भी पुराने से निकल के नए में आ रहा है, इसलिए ये फेज है, इस फेज में यही इश्यूज आते हैं। 91 में 46 टन सोना इस देश का बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, बैंक ऑफ जापान के साथ गिरवी रखा गया था, सोच के देखिए गिरवी रखा गया था, और उसी इंग्लैंड को पिछले साल हिंदुस्तान ने पीछे कर दिया और आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसी इंग्लैंड। आंकड़े बता रहे हैं कि संभवतः 2026 जापान को भी हम लोग पीछे कर देंगे। जापान अभी चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी थी जर्मनी ने पिछले दो महीने में, दोनों का गैप बड़ा कम था कुछ बिलियन डॉलर का, तो अभी जर्मनी इज ऑन थर्ड प्लेस एंड जापान इज ऑन फोर्थ एंड इंडिया इज ऑन फिफ्थ। सोच लीजिए कि जिस देश का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया गया था, उस देश की सरकार और उस देश की जनता का फेथ लेवल कितना नीचे गिर गया होगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान हार गया है। हम लोग उस भारत माँ के सपूत हैं जिसकी मिट्टी संघर्ष से भरा हुआ, जिसकी मिट्टी से वैसे सूरमा पैदा हुए कि जिसको जब खांडव प्रस्थ मिला था पांडवों को, बड़े निराश हुए, बोले कि इंद्रप्रस्थ, सॉरी हस्तिनापुर जिसको हमने सजाया, इतनी बड़ी वैभवशाली राजधानी उस वक्त दुनिया में कहीं नहीं थी, उन राजकुमारों को कटीले वन मिले खांडव प्रस्थ। भगवान कृष्ण ने कहा ये कर्म की भूमि है और जो इस कर्म में इन कांटों को चीर करके गुलाब लगाएगा, आने वाला इतिहास उसी को याद करेगा, इसलिए इतिहास आपको याद करने वाला, याद रखेगा। ये सब के समय में आता है, आप अपने लाइफ को भी देखिएगा, कभी ऐसा समय आने लगेगा आपका फेथ इरोड हो रहा है, तो पहला प्रॉब्लम अभी जो हो रहा होगा, इशू जा रहा होगा, चैलेंज आ रहा होगा, इरोजन ऑफ फेथ का। दूसरा, एमवे बिजनेस में बहुत सारे लीडर्स जो अपेक्षाकृत बड़े लेवल पर भी होंगे, उन लोग के मन में आ रहा होगा कि यार सही बिजनेस में है ना, कि कुछ दूसरा तो ट्राई कर ले, थोड़ा उधर भी देख ले, थोड़ा उधर भी चले जाए।
कुछ नहीं होगा। अगर सच पूछिए तो 1934 न्यूट्रलाइट स्टार्ट हुआ, अगर डायरेक्ट सेल की कहानी वहीं से शुरू करें और अगर 59 से शुरू कीजिएगा तो 65 साल, हम लोगों का तो बहुत कम लोगों का 65 साल हो, 65 साल गौरवपूर्ण जिसका इतिहास रहा हो उसको छोड़ के कहां जाने का है। इससे बड़ा, इससे बढ़िया और इससे मुकम्मल बिजनेस जिसमें सब कुछ है आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो भूल नहीं करता। तो दूसरा चैलेंज यही होगा कि लीडर लोगों को लगता होगा कि उछल के उधर चले जाए। दूसरा चीज, तीसरा इशू लग रहा होगा कि भाई प्रयागराज में ही ग्रोथ नहीं हो रहा है, थोड़ा डी ग्रो कर रहे हैं क्या? इट्स ऑल इंडिया फेनोमेना, इट्स अ ग्लोबल फेनोमेना। मैंने बताया ना कि ये फेज है कोरोना के बाद संपूर्ण दुनिया में सभी स्फेयर में, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी, सब चीज में डी ग्रोथ हुआ था। लेकिन जो फिर से बाउंस बैक करता है उसके लिए तैयार रहता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का बिहेवियर है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, दिस इज द बिहेवियर ऑफ बिजनेस विच गोज डाउन एंड देन इट कम्स अप, बाउंस बैक करता है। एक और चुनौती हो रहा होगा कि क्या एमवे बिजनेस अभी भी एक करियर है? और अगर करियर नहीं रहता ना तो हम छोड़ के नहीं आते, पागल नहीं थे, दिमाग नहीं खराब करते। बताए ना कि अगर सिर्फ पैसा ही कमाना रहता तो मैंने क्लोज रूम में बता रहा हूं कि ईमान बेच देता है लोग। खाली पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में हम लोग नहीं आए, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। और मैं आपको आज ये दावे के साथ आपको बता सकता हूं कि 34 साल की मेरी नौकरी की सैलरी और 13 साल का मेरा यह बिजनेस, मेरे पूरी सैलरी से ज्यादा पैसा मात्र 10 साल में आया इस बिजनेस। आपको बता इसलिए, और वो क्वालिटी मनी आया, क्वालिटी मनी आया जिसके लिए कभी तनाव नहीं होता है, क्योंकि वाइफ के पास अकाउंट है, उन्हीं के अकाउंट में पैसा जाता है, कभी कभी तो हमको बताती भी नहीं है। लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजता वो करता है इनकम टैक्स तो पता चल जाता है, वो बता देता है हल्के से कि ठीक है बताओ। सो आपको लग रहा होगा कि क्या एक अल्टरनेट कैरियर है? तो यस इट इज स्टिल। हमारे बिजनेस के अंदर भागलपुर में फाउंडर्स प्लैटिनम है, अब मतलब अब निर्णय ले रहे हैं, होपफुली 2-3 साल में डायमंड जाएंगे। डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर साहब, डॉक्टर में डीएम कार्डियोलॉजी बड़ा नाम है और उस इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जानते हो उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने फाउंडर्स प्लैटिनम से जो पैसा कमाया कुछ और बैंक से लेकर के उन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया। बोले डॉक्टर साहब बड़ा हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं? आपका देखना मतलब प्रैक्टिस चलता है। दूसरे हॉस्पिटल बोला कि नहीं सर हम फ्री होना चाहते, वो टाइम वाला बात कि हम एक सिस्टम क्रिएट कर देंगे वो होता रहेगा और हमको बढ़िया से एमवे बिजनेस करना है। बहुत परेशान रहते हैं। ये वो डॉक्टर कह रहा है जिसका पर डे का प्रैक्टिस 2 लाख रुपए। अल्टरनेट कैरियर हो सकता है? हेलो, माने अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा दो ही बात है, या तो सब समझ गए या कुछ नहीं समझे। पक्का? मौन स्वीकार, स्वीकार का लक्षण है। पहले के जमाने में अपना कोई बोलता था पत्नी से या अपनी गर्लफ्रेंड से कि आई लव यू, लड़की कुछ नहीं बोली तो माने हाँ है। हालांकि अब तो एकदम उससे ज्यादा ही बोल देते। तो एनीवे, एक और चीज हो रहा होगा, क्या एमवे कॉर्पोरेशन इन घटनाओं से वाकिफ है? वेदर एमवे एज ए कॉर्पोरेशन, एज ए कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट दिस, इज अवेयर ऑफ इट एंड इज वर्किंग ऑन दैट? यस, क्योंकि हम लोगों का कन्वर्सेशन लोगों से होता है, क्योंकि ये पैन ग्लोबल फेनोमेना है। हमको याद है मैं टोरंटो गया था, अब तो इतना जगह घूम लिए याद भी नहीं रहता कौन देश कहाँ गए, याद नहीं रहा था। 16-17 देश लगभग हम लोग घूम लिए।
उस तो हम नहीं गए, परमिशन नहीं मिला गवर्नमेंट से, तो वाइफ चली गई। तो टोरंटो हम गए थे, अगर हमको ठीक से याद है तो शायद 13 या 14 में। तो डिवोर्स को हमने सुना था, एक किताब हम पढ़े, आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, उस किताब का नाम है एम्बे फॉर एवर, जॉन ए कैथरीन की वो किताब है, न्यूयॉर्क टाइम्स की वो एक जर्नलिस्ट थी, उनका लिखा हुआ है एम्बे फॉर एवर। एक और किताब जरूर पढ़िएगा, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, रिच डिवोर्स का, उसमें डग डिवोर्स ने जो कहा था उसने पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे दुनिया में अलग अलग जगहों पर एम्बे को चुनौती होती है। और ये बहुत स्वाभाविक सा चीज है, देखिएगा कि खेत में अक्सर उन्हीं फलों और उन्हीं पौधों को सबसे पहले नजर लगती है, या तो पक्षियों की या पशुओं की या इंसान की भी, जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर जाता है, बात समझ रहे हैं, तो वो दिखाई पड़ने लगता है। अजीब अजीब चुनौती एम्बे के लाइफ में। ऑस्ट्रेलिया में जब ये बिजनेस गया था तो एक शख्स थे वहां, नाम लेना उचित नहीं होगा, अभी वो फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। तो जब बिजनेस जा रहा था तो उनको मालूम था कि एम्बे आने वाला है, तो वहां एक रूल है, या इनफैक्ट सब जगह रूल है, कि अगर किसी नाम से कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उस नाम से दूसरी कंपनी नहीं बन सकती। उनको मालूम था कि एक दो साल में यहां एम्बे आने वाला है, तो उसने एम्बे करके एक अपनी कंपनी खोल दिया। जब एम्बे वहां गया रजिस्टर करने के लिए, बोला आप नहीं खोल सकते। बोला क्यों? बोला एम्बे यहां पहले से। बोला कि अरे भाई एम्बे कैसे हो सकता है, तुम्हारा ही सिर्फ है। तो पता किया तो आदमी आया, बोला कि हाँ हमको मालूम था इसलिए हम खोल लिए। बोला भाई ऐसा अनर्थ मत करो। बोला नहीं हम दे देंगे आपको, अपना नाम दे देंगे, लेकिन साथ यही कि सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। सोच लीजिए कैसा चुनौती। चाइना में सालों इसका ऑपरेशन बंद हो गया, और आज देख लीजिए चाइना कहां से कहां। सो आप इसको ऐसे समझिए कि एक रिसर्च हुआ है, वो कहता है कि अनइंटरप्टेड ग्रोथ इज वेरी डेंजरस इन एनी बॉडीज लाइफ। अगर किसी इंसान के जीवन में, किसी कंपनी के जीवन में, किसी कंट्री के जीवन में भी अनइंटरप्टेड ग्रोथ हो रहा है, लगातार आप ग्रो ही करते जा रहे हैं, तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपके मन में इनविंसिबिलिटी की भावना आ जाएगी और विजय है। और जिस दिन ये भावना किसी में आ गया कि हम अविजय है, उसी दिन वो इंसान ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, आप रिट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, पीछे मुड़ के देखिएगा कि क्या हुआ। ये वही क्षण है देखने का, सुनने का। आप सोच करके देखिए, कर्ण से बड़ा महारथी महाभारत कोई नहीं था, अर्जुन से बड़ा गदाधारी भी कोई नहीं था, उसको तो माता गंधारी का आशीर्वाद लगा था, उसका शरीर वज्र का हो गया। अनइंटरप्टेड विक्ट्री जो होता है वो सबको नशा मिला देता है। उसकी हार इसलिए नहीं हुई कि वो कमजोर था, उसकी हार इसलिए हुई कि सबमिट नहीं किया, और उसके पास भगवान कृष्ण जैसा अपलाइन नहीं था। आपके अपलाइन भगवान कृष्ण है, उसका हाथ भी नहीं। और एक कुरुक्षेत्र है यहाँ भारत की विजय हो, जो सही तरीके से बिजनेस करेगा, जो एथिक्स को फॉलो करेगा, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करेगा, वो ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। उस पर अभी 2 मिनट में बात है। तो याद रखिए, ये तीसरी चीज है जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में आएगी। एंड आई थिंक यू आर विद मी। आपको लग रहा है कि चीजें हो रही हैं? यस। एक और चीज आपको लग रहा होगा, और वो ये कि कहीं हमें तो कोई कमी नहीं, हम अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ कमी आ गई, आप में कोई कमी नहीं आई। ये एक साइकिल है, और इस साइकिल से हम सब लोग को आगे बढ़ते हैं। Are you with me? Yes. अब आपसे एक बहुत जबरदस्त से शेयर करेंगे, निकलेंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ेगा और कहां जाने वाले हैं, बस ये तीन चीज आपसे बात करें। जो इश्यूज मैंने बताए हैं वो इश्यूज पैन इंडिया है, इनफैक्ट ग्लोबली है। हाउ विल वी कम आउट ऑफ दिस चैलेंज, और अगर इससे निकल गए तो हम कहां जाएंगे, बस यही बताकर हम अपनी बात को खत्म करेंगे। 2021 में फोर्ब्स में एक सर्वे किया, उस सर्वे में उन तमाम एंटरप्रेन्योर्स को शामिल किया जिसका टर्नओवर 500,000 US डॉलर था,
और उसने एक काउंसिल बनाया जिसका नाम है पोप्स बिजनेस काउंसिल, आप गूगल करके देख लीजिए पोप्स बिजनेस काउंसिल। इसने 2021 में रिसर्च किया कि लोग क्यों नीचे चले जाते हैं, क्या होता है और क्या चीज करना चाहिए इस पैंडेमिक से उबरने के लिए। क्या पैंडेमिक, अचानक से सिस्टम का हट जाना, अचानक से रेगुलेटरी चीजें आ जानी, अचानक से कोई कहीं आ जाना, अचानक से इसके साथ घटना होती है तो अखबार में बड़े बड़े न्यूज आना, ये क्या है अभी आपको एक्सप्लेन करें। उसको याद है कि एक रेगुलेटरी इशू हुआ था, पूरा नेशनल चैनल मीडिया चलने लगा, लेकिन उससे बड़ा इशू एक दूसरे कंपनी के साथ आया, उसमें एक छोटा सा दो तीन लाइन है न्यूज, ऐसा क्यों होता है उसको याद हो जाता है। तो ये जो फोक्स बिजनेस काउंसिल है इसने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि अगर कोई देश, अगर कोई बिजनेस, अगर कोई कॉरपोरेशन, और महिला साथ है कि इसमें एमवे के भी फाउंडर मेंबर से कुछ लोग होंगे क्योंकि वो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के भी लोग हैं, मतलब आपको रिपोर्ट करना उचित नहीं होगा, बट इस रिपोर्ट को आप जान लीजिए कि फोक्स बिजनेस काउंसिल इसमें क्या चीज करना चाहिए आपको, इसको आप चैनल पर नोट कर लें, स्पेशली जो लोग लीडर्स हैं उससे हम रिक्वेस्ट करें कि एक चीज जान लीजिए कि जब हम कहीं कभी भी सेमिनार में आते हैं तो हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम कौन गए हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा के साथ बात, इसलिए कि अगर यहाँ पर 300-400 लोग बैठे हुए हैं, अगर मैंने 2 घंटे बात की तो 4 × 800 घंटे हो गए, तो 800 घंटा मुझको यूं ही बकवास बात करके बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, इफ आई एम नॉट एबल टू गिव यू समथिंग, देन माई पर्पस ऑफ कमिंग टू द स्टेज एंड डांसिंग ऑन द ट्यून इज सिंपली मीनिंगलेस। तो हम कोशिश करते हैं कि उन चीजों पर बात करें, आप नोट कर सकते हैं देखिए क्या क्या चीज करना चाहिए, और यकीन मानिए ज्यादा नहीं 3 से 4 महीना चीजें कैसे भागेंगी। इश्यूज को मैंने अभी फ्लैग किया, पहली चीज क्या करना चाहिए और आप फिट कीजिएगा वो करने से चीजें बदलेंगे। फर्स्ट बी ऑनेस्ट एंड बी रिफ्लेक्टिव, बी ऑनेस्ट एंड बी रिफ्लेक्टिव, क्या मतलब क्या नॉन डुअलिज्म, इसका मतलब समझो, बी ऑनेस्ट बी रिफ्लेक्टिव एंड डोंट बी नॉन डुअलिस्ट। नॉन डुअलिस्ट का मतलब दोहरा चरित्र होता है, हाथी का दांत दांत दिखाने की कुछ और खाने को। बी ऑनेस्ट का मतलब बी ऑनेस्ट टू योर बिजनेस, ठीक है हम जिस लेवल पर गए थे अभी वहां नहीं है, हमारा बिजनेस नीचे गया, फर्स्ट एक्सेप्ट इट। भगवान कृष्ण ने कहा था महाभारत में कि हार का स्वीकार ही जीत का शुरुआत हो, हार का स्वीकार जीत का शुरुआत होता है। बी ऑनेस्ट बी रिफ्लेक्टिव, चीजों को रिफ्लेक्ट कीजिए। इफ यू आर डूइंग दिस बिजनेस रिफ्लेक्शन शुड बी देयर ऑन योर फेस। इसका मतलब यह भी है कि your highest thing had been founder's platinum, emerald, founder, emerald, diamond, you should reflect that. से तो एक सप्ताह खाना नहीं मिले बकरी नहीं ना हो जाएगा जी, बकरी हो जाएगा वो जहां पर कहावत ये मूस मोटे हैं तो नोड़ हो जाए, अब चूहा कितना मोटा जाएगा हाथी हो जाएगा क्या, हम लोग कितनों कमजोर हो गए तो शेर है ना जी। Roll like that, be reflective, be excited, why not? Hey, yes! हम इससे ऐसे करा दे रहे हैं आपको तालियों नहीं बजाना है। नॉन डुअलिज्म इससे बचना है, जो हम है वही बोले। From the core of my heart, बात समझ रहे हैं? होता है ना मोदी जी, मोदी की गारंटी है, आप बोले मेरी भी गारंटी, इफ आई एम डूइंग दिस आई एम डूइंग दिस। गलत है, कई बार मेरे लाइफ में इशू आया, हमारे बॉस
प्रकाश जी बिजनेस करते, हाँ भाई बिजनेस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल तक गया, किसी ने बताया, मेरे वीडियोस देखे गए हाईएस्ट लेवल पर, नाम लेना उचित है, हाईएस्ट लेवल स्टेट का जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां, बोला कि दिस मैन टॉक सेंस, तो लोगों को हेल्प कर रहा है, व्हाट इज हार्म इन दिस, आप नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, बी रिफ्लेक्टिव, बात समझ रहे हैं, दिल से बात कर रहे हैं, बड़े इसको बोलते हैं पैंतरा लेना। शेर जब शिकार करता है तो तीन कदम पीछे हटता है, उसके बाद फिर जंप करता है। इसका मतलब क्या है? योर रेपुटेशन नॉन डुअलिज्म विल हेल्प टू रिबूट, डोंट इडिफाई योर सेल्फ, इडिफाई योर टीम। इसको समझिए, रिसेट योर पैराडाइम, एकदम अरे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बता रहे हैं। फर्ज कीजिए कि दो चीज याद रखिए, आपका हाईएस्ट पीन क्या था और अभी आपका एक्चुअल पीन क्या है। वर्क इथिक्स आपके एक्चुअल पीन के हिसाब से होना चाहिए और सोच आपकी हाईएस्ट पीन के हिसाब से। अरे कैचिंग माय पॉइंट, हेलो कैचिंग माय पॉइंट। खांडव वस्त्र जब भेजा गया था युधिष्ठिर को, उसने बिहेव किया कि हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, जबकि खाने के लिए दाना नहीं था, वो एटीट्यूड आपने लाना होगा, है वो एटीट्यूड। रिसेट योर पैराडाइम, डोंट इडिफाई योर सेल्फ, इडिफाई योर टीम। कुछ पब्लिक, कुछ पीपल स्किल भी सीखने की जरूरत है इस बिजनेस में, तीन स्किल की जरूरत है, पहला पीपल स्किल, दूसरा प्रोडक्ट स्किल और तीसरा ऑपरेशनल स्किल। प्रोडक्ट स्किल आप सबके बारे में, सारे लीडर्स हैं, आर्टिस्ट्री में क्या है, डिजाइन में क्या है, सॉल्यूशन कैसे देते हैं, वे सब चीजें। ऑपरेशन स्किल आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे ज्वाइनिंग कराना है, ऐसे ऑर्डर करना है, ऐसे कमीशन देखना है, ऐसे ट्रैक करना है, वगैरह। खेल पीपल स्किल का, पीपल स्किल में तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बोलने की कला, स्पीच पैटर्न, कैसे बोलते हैं आप। बहुत सारी किताबें अपनी जगह पर है, लेकिन बोलने की कला, एक किताब जरूर पढ़िएगा, लेस गेबलिन का कला लोग व्यवहार, बहुत पतली सी किताब है, बहुत मजेदार किताब है, डेल कार्नेगी को पढ़ सकते हैं, उनकी स्पीच पैटर्न की एक अलग किताब है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा स्पीच पैटर्न का मतलब होता है तीन चीज। पहला, कब आपके पिच हाई होने चाहिए, कब आपका पिच लो होना चाहिए, कब आपका पिच मॉडरेट होना चाहिए। सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सबसे भारी आफत किसी में, और कई बार एमबीए बिजनेस में लगता है कि सबसे भारी समस्या ये, सुनते ही नहीं, वहां गए सीधे बोलना शुरू किए, पहले उसको बोलने दें, और जब वो बोले तो ये नहीं कि आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है बोलिए बोलिए, अच्छा ठीक है हाँ बोलिए बोलिए। यू मस्ट बिहेव एज इफ यू आर लिसनिंग, लीन करके अच्छे से सुनना, मोबाइल को साइलेंट या कभी रिंग आ गया तो बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो वो आदमी जो आपके सामने बैठा, यू फील दैट यू आर मेकिंग हिम, यू आर फीलिंग हिम एज इफ इज इंपॉर्टेंट, मेक समवन फील इंपॉर्टेंट। सुनने की कला, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, प्रशंसा करने की कला। आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा समस्या यह है, हम अपने में लगे अपने प्रशंसा में, हमको बाघ मार दिए थे, मेरा तो यहां से 12 बीघा जमीन है, हमको 4 को हेलीकॉप्टर है, 5 को गाड़ी है, तो सामने वाले वो क्या है, वो देहात में कहा तो पेट पके तो कौआ बाप के क्या, मतलब पेट पक गया तो कौआ क्या कर, खा ही नहीं सकता, हम लोग उसी में लगे रहते हैं। यह कर दिया, हमारी पत्नी तो जानते हैं वहां पर भी गई थी फैशन डिजाइनिंग, तो मॉडलिंग, हमारा भाई जो है फलाना है, मेरे भाई का बहनो वहां पर है, वहां पर है वो जगह। आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, जिसके यहां जाते हैं, किसी के यहां, किसी से मिलते हैं, भाई दो शब्द बढ़िया मीठा, उसके बारे में सही बात बोलिएगा, नहीं उसके बारे में कुछ तो अच्छा हो, अच्छे ड्रेस होंगे, अच्छा सेंस होगा ह्यूमर का, घर साफ होगा, पर्दे साफ होंगे, कुछ तो होगा, दिल खोल के प्रशंसा कीजिए, ना पैसा लगता है इसमें, बिना पैसा का काम है तब भी हम नहीं देंगे, क्यों नहीं दीजिएगा हमारा मान।
क्यों मना था हमारा मना ही उसका कोई हिसाब है पिंगल पढ़ना है समझते हैं पिंगल पढ़ना मैंने अपना ही मोल अपने बाप पर टिका रहा एक आदमी था मंदिर के बगल से गुजर रहा मंदिर देखा ये हुए था हमारे रात को बंद तो देखा पंडित जी को उसको बोलने वाला भी बीमारी तो बोला कि इस दुनिया में कौन सबसे बड़ा है तो पंडित जी बोले इस दुनिया में मंदिर सबसे बड़ा बोला मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों पड़ा तो सोचा पागल है बोला अच्छा ठीक है धरती सबसे बड़ी बोला धरती सबसे बड़ी तो नेक शेषनाग के माथा पर क्यों खड़ी माथा खड़ा बोला भैया शेषनाग बड़े क्यों निकलो बोला शेषनाग बड़े तो शंकर जी ने गले क्यों पड़े बोला तेरा हुआ बोला बंधु शंकर भगवान सबसे बड़े बोला सबसे बड़े हिमालय पर क्यों पड़े मुश्किल है भाई बातें नहीं सुन रहा बोला अच्छा हिमालय सबसे बड़ा बोला हिमालय सबसे बड़ा तो हनुमान जी के उंगली पर क्यों खड़ा पंडित जी परेशान हुए बोले भैया तुम ही बता दो कौन सबसे बड़ा बोला इस जमीन पर इस धरती पर वो सबसे बड़ा जो पूरी बोतल पी के पैर पर आर्ट ऑफ यूनिफिकेशन आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग यूनिफिकेशन प्रशंसा करना तो नहीं आया प्रशंसा सुनने में नहीं प्रशंसा हम लोग को नहीं सुनने आया कोई प्रशंसा कर दिया देखिए कितना समस्या होता है आप किसी लेडी ने कहा कि आपकी तो साड़ी बड़ी अच्छी बहुत खूबसूरत लगता है कि तंजावुर सिल्क का साड़ी है हम तो 2 लाख से नीचे का पहन भी अरे हाँ सब नहीं चलता हम तो घर में भी पता आ जाता नीचे पर जेंट्स को बोला आपका सूट बड़ा अच्छा हम पूरा ब्रांडेड तो पहनते हम तो जब भी जाते हैं पानी का ही लाते हैं यहाँ गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास इतना बढ़िया खीर बना था राशन से डाल बोले स्वादे नहीं आ रहा स्वाद आ गया कपास की राशन से डाल प्रशंसा सुनने की अम्बल दुनिया में विनम्रता से बड़ा कोई चीजें नहीं क्या दिक्कत है भाई सो एनीवे कट्स ऑफ तो रिसेट योर पैराडाइम वर्क एज इफ यू आर ऑन द रियल पिन थिंक एज इफ यू आर ऑन द हाईएस्ट पिन दिस इज कॉल्ड रिसेट योर पैराडाइम नॉन डुअलिज्म को छोड़िए इधर उधर कुछ नहीं है अरे भैया हाथी की सवारी बढ़िया है कि हाथी जैसी सवारी वो एम्बे ही टाइप काम करता है टाइप वाला में जाएंगे ओरिजिनल वाला में जाएंगे अल्लाह सोना मिल रहा है कि रोड बोल के फेरा निकाल लगे हुए अरे कैचिंग माइक वन सो दिस इज रिसेट योर पैराडाइम और इन चीजों को जो रिपोर्ट है रिपोर्ट बहुत बड़ी है लेकिन उस रिपोर्ट को हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है एंड आई होप यू वुड लाइक दिस थर्ड पॉइंट फोकस ऑन योर एक्सपर्ट जोन आपके जो एक्सपर्ट जोन उस पर फोकस्ड है कि व्हाइट टीम इज इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट कहीं भी मोदी जी अकेले क्या कर रहे हैं इज वर्किंग विथ अ टीम टू बिल्ड द नेशन यू नीड टू वर्क विथ योर टीम आपको बताते हैं एक्साइटिंग उदाहरण बताते हैं एक बहुत बड़े राइटर है उनका नाम है माइकल गेल और उनकी एक किताब है हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो द विंची आप सुनिए पढ़िए बहुत शानदार किताब हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो द विंची लियोनार्डो द विंची के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं एक ऐसा शख्सियत इंजीनियर भी थे डॉक्टर भी थे आर्किटेक्ट भी थे इंजीनियर भी थे अभी उनकी 2-3 साल पहले उनकी उस वक्त डिजाइन की गई पुल में थोड़ी सी रिमॉडलिंग करके नॉर्वे में एक ब्रिज बनाया गया डॉक्टर और द विंची ब्रिज उसको बोलता है सिंगर भी पेंटर भी डांसर भी अद्भुत उस किताब में लिखा गया है कि हर इंसान के अंदर माने 9 तरह की क्वालिटी हो सकती है लेकिन हर इंसान में 2-3 क्वालिटी होती है मैं सबकी चर्चा नहीं करता एक दो चीज बताता हूं जैसे क्वालिटी है उसको बोलते हैं बॉडी एस्थेटिक क्वालिटी का मतलब देखिएगा बहुत का शरीर बड़ा लचीला है कोई अच्छा डांस कर सकता है कोई अच्छा फाइट कर सकता है किसी का वॉइस एस्थेटिक खूब अच्छा आवाज मधुर आवाज रफी लता जैसा आवाज किसी का देखिएगा कि उसका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कोई चीज का इंट्यूशन हो जाता है किसी का होता है इंटरपर्सनल एस्थेटिक वो दूसरे के
बॉडी को देख के समझ जाता है कि आदमी किस तरह का। एक होता है इंट्रा पर्सनल एस्थेटिक, अपने बारे में समझ जाना कि हम ये गलती कर रहे हैं। तो कहता है नौ तरह की क्वालिटी होती है, इंसान में दो तीन से ज्यादा होती नहीं है। मजेदार बात क्या है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि 10 ही आदमी दुनिया में ऐसे हुए, गांधी जी की भी चर्चा है, न्यूटन की चर्चा, उसमें आइंस्टाइन वगैरह की चर्चा है, जिसमें 5-6-7 क्वालिटी तक था। अब आपकी टीम क्यों जीतती है, मान लीजिए कि इसरो में लोग बैठे हुए लीडर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग बैठे, ठीक है, टॉप साहब में 4, इनमें फिर 2, इनमें 4, इन अनिमा सुखी का भाई का चार अपना रजू क्या मैं जिन्हें क्या भी कहते हैं, बट जो कर मान लीजिए 3-3, 4-4 सब में, अगर ये सब मिल जाए तो 95, 97, 99% प्रोबेबिलिटी है कि इस टीम में 9 क्वालिटी रहेगी। तो आप ये बताइए कि 9 क्वालिटी वाला जीतेगा कि 3 क्वालिटी वाला। Always edify your people. Always focus on the expert zone. याद रखें, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। We try to become jack of all the trades. हम ही सब कुछ कर लेंगे। कोई बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, कोई बहुत बढ़िया मेकअप करती है, कोई कोई इंटरटेनमेंट अच्छा से कर सकती है, कोई हेल्थ कैंप बढ़िया से कर सकती है। Focus on that. Focus on your expert zone. याद रखिए, दुनिया में कोई भी निर्माण के लिए दो चीज की जरूरत होती है, तकनीक और नियत। दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण नियत है। अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल अभी तक खड़ा है, तकनीक कम थी, नियत ठीक था। अभी पुल बना है, तकनीक बहुत हाई है, नियत गड़बड़ था, मालूम हुआ 3-4 काम में गिर जाता होता है ना। वही सोच लीजिए कब यह बना होगा। और तो इस बिजनेस को नियत से करें। तकनीक इज इंपॉर्टेंट, बट योर नियत इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप किसी को बताने जाते हैं तो आप सही में मन में सोचते हैं ये आदमी अगर समझ गया ना यार इसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक्सपर्ट जो क्लियर है, कनेक्टिंग में, मेकिंग सेंस, श्योर, बीच बीच में चार्ज करते रहिए। इसको जब आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि शायद आपके कुर्सी पर बैठा हुआ जो शख्स है यानी आप हैं, आप ही पर ब्रेकडाउनों में रिसर्च किया होगा। देखिए क्या कितना जबरदस्त चीज इन्होंने बताया है। ब्रेकडाउनो ने एक थ्योरी प्रपाउंड किया, वो थ्योरी कहता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर वो थ्योरी है, वो कहता है कि इंसान अक्सर वो चीज जो अभी उसके पास नहीं है सोचकर दुखी और हतोत्साहित हो जाता है, बनिस्पत उसके कि जो उसके पास था या जो उसके स्ट्रेंथ है। आपके पास घर नहीं है, घर सोच के दुखी हो रहे हैं, जबकि आपके पास बहुत सुंदर फ्लैट। आप ये सोच करके दुखी हो रहे हैं कि मेरी लंबाई कम है, लेकिन ये सोच करके सुखी नहीं हो रहे हैं कि आपका बॉडी बड़ा फिट है। ब्रेंटानो कहता है कि दुनिया में अधिकांश लोग इन चीजों से परेशान होते हैं। आपके साथ भी होगा, यानी लगता है कि पहले तो बड़ा बढ़िया यहां तक चले गए, तभी ये हो गया। उपाय क्या है? उपाय ये है कि अभी जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है उसमें उन दिनों को याद करिए। अगर आप फाउंडर्स प्लैटिनम गए थे तो आप ही थे जो फाउंडर्स प्लैटिनम गए थे, और फिर से आप ही थे। ब्रेंटानो कहता है कि इंसान अगर अपने स्ट्रेंथ को फोकस करे और जो चीज को अचीव किया था उसको याद दिलाइए, उसके अंदर का जो सेल्फ है वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आप फाउंडर एमरल्ड हैं, कोई आदमी फाउंडर्स प्लैटिनम गया था, अभी प्लैटिनम है, या मान लीजिए मैं गोल्ड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही गया था। ब्रेकडाउनो के उस सिद्धांत को याद करिए कि आप ही गए थे और दोबारा आप ही जा सकते हैं। यू कैन डू दिस। मेक सेंस? ये प्रोपाउंडेड थ्योरी है दोस्तों। मैं अपनी चीजों को खत्म कर रहा हूं। कहता है कि
अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। इनफैक्ट कैसे अब हम लोग को जाना है, क्या करना है, आपके आपके साथ शेयर कर देते। देखिए अभी जो आंकड़े रिलीज किए हैं आप लोग, जैसे भारत सरकार हर बजट के पहले एक डॉक्यूमेंट जारी करती है, उसको बोला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो बजट के एक साल पहले का होता है, जैसे अगर 24-25 का बजट है तो वो 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, आपको पढ़िएगा, हालांकि बहुत मोटी होती है, उसके कुछ हम लोगों के काम लायक चीजें वो आपको बता। पहला, 2030 तक इस देश की अर्थव्यवस्था लगभग $7 trillion हो जाएगी। आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको स्पष्ट होगा कि हम ये क्यों बात बता रहे हैं। यानी 8,56,560,00,000,000,000 रुपया, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 300 लाख करोड़ रुपया साल में हिंदुस्तानी बाजार में खर्च करेंगे। इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लाइक और ड्यूरेबल्स और आर्टिस्ट्री के मार्केट का स्कोप अन्य समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला। कैचिंग माय पॉइंट। दूसरा चीज, डायरेक्ट सेल के बारे में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं चुके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी, बिहार सरकार में रहे, पंचायती राज में रहे, फॉरेस्ट में रहे, एजुकेशन सब चीजों में रहे, तो थोड़ा बहुत हमको चुके इंक्लिनेशन भी है। डायरेक्ट सेल के बारे में जो अभी जो गाइडलाइंस इशू हुई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ब्रैकेट में डायरेक्ट सेल रूल जो निकला था, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, और उस अमेंडमेंट के अनुसार डायरेक्ट सेल, एमबीबी डायरेक्ट सेल है, इसके प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर बगैर उस कंपनी के कंसेंट के बेचा ही नहीं जाएगा। ये रूल जल्दी आने वाला है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि प्राइस कट करके ई कॉमर्स वेबसाइट पर लोग बेच देते हैं, आने वाले 6 से 8 महीना एक साल में ये समाप्त हो जाएगा, इसे को नोट कर लीजिए। अब आप सोच लीजिए कहां जा रहा है, ये कह रहा है कि डायरेक्ट सेल का बिजनेस इंडिया में 2025 में लगभग 1,00,000 करोड़ का होने वाला है। 1,00,000 करोड़ का, अभी यह बिजनेस लगभग 30,000 से 35,000 करोड़ के आसपास, यानी 2025-26 तक अभी जो टर्नओवर है इसका 4 गुना बढ़ने वाला है। इसका मतलब अगर आप क्वालिफाइड प्लेटिनम है तो 4 गुना बढ़ेगा, यानी 4 लेख से एमरल्ड जाने वाले हैं। अगर आप एमरल्ड हैं तो 4 गुना बढ़ेगा, यानी आप मिनिमम आउटर डबल डायमंड जाने वाले हैं, यानी स्कोप है बहुत। अरे कैचिंग माय पॉइंट, हेलो, मेक सेंस? पीछे से पटना बधाइए कर बड़ा के एक बार। इस देश में एक एंटरप्रेन्योरशिप पर स्टडी हुई और वो स्टडी करके निकाला गया कि साहब आज के तारीख में जो बच्चे हैं, जनरेशन, यंग जनरेशन से महिलाएं हैं, उनका रुझान कहां है, क्या उनका वही ट्रेडिशनल आउटलुक है जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस या प्रोफेशन या कुछ और। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि U35 यानी 35 साल के कम के बच्चे का लगभग 53% या उससे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनका अपना खुद का बिजनेस हो। कैचिंग माय पॉइंट, यानी कभी भी यंगस्टर को ये बिजनेस दिखाने से मत हिचकिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो चाहे किसी और प्रोफेशन। सो देव जी सब करी, कैचिंग माय पॉइंट, हेलो। हमारी बहनें, महिलाएं, वुमेन, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अराउंड 63-67% जो डायरेक्ट सेल का बिजनेस है इस देश में, चाहे वो किसी कंपनी का,
मेजर रोल अमेरिका ही, आपको पता है हमें फोर्ब्स ने डिक्लेयर किया, दुनिया का 2023 का रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेल का सबसे बड़ा बिजनेस एमवे का है। फोर्ब्स उठाकर पढ़ लीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन फोर्ब्स कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेल का कंपनी एमवे कॉर्पोरेशन वर्ल्ड अराउंड कह रहा है कि 63-67% महिलाएं पूरे इस बिजनेस को ड्राइव करेगी आने वाले समय में। इसलिए आप इन बच्चियों और महिलाओं और माताओं को कमजोर मत समझिए, ये सब दुर्गा काली है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सरस्वती बनी रहे, समझ रहे हैं? तो बगल वाले सावधान हो जाइए, कितनी शक्ति है। इन तमाम बहनों माताओं बच्चियों के लिए एक जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। क्योंकि आप इस बिजनेस के लुब्रिकेंट हैं। इमारत कोई खड़ा करता है, बिल्डिंग कोई बना देगा, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका साथी, लेकिन उस इमारत को सजाइएगा आप ही, क्योंकि घर बनाने की कला आप ही को है। और ये बिजनेस घर बनाने का नाम है, बिल्डिंग बनाने का नाम है। हम बेशक बोलते हैं टीम बिल्डिंग, बट बिल्डिंग टीम एंड डेकोरेटिंग द टीम, इंस्टीलिंग होप, इंस्टीलिंग कॉन्फिडेंस, इंस्टीलिंग बिलीव इन द टीम इज द प्राइमरी जॉब ऑफ दिस लेडी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इन लोगों की ताकत है। एक और आकर्षण मिले, छठा, आप में से बहुत सारे जो कम से कम मतलब 20-25 साल 30 साल के बच्चे या लोग हैं, आप लोग सब लोग रहेंगे, कौन कब रहेगा भगवान जाने, लेकिन 2040-45 ध्यान दीजिए, कितना साल, मात्र 20 साल बचाना। जो बच्चे 40 के हैं, जो बच्चे 20-25-30 के हैं, 50 के होंगे, जो 40 के हैं वो 60-65। आजकल तो याद रखिएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, हेल्थ स्पैन की बात होती है, नॉट लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन। आप कितने दिन चिंता रहते हैं महत्वपूर्ण नहीं, कितने दिन शेर की तरह गरजते हैं वो चिंता। और ये देश तो वीरों का देश है, अरे भाई पौने 200 साल में जब भीष्म पितामह अपने धनुष से तुनी से तीर निकाल करके बाणों की वर्षा कर देते थे, तो हम लोग 50-60 में गर्दन नहीं उठा सकते हैं? दो हजार 40-45 में आपको अंदाजा नहीं है, इस देश का मुस्तकबिल बदलने वाला है। और हम लोग आप फील करिएगा, मैंने भी बताया है कि सोच करके देखिए कि लगभग 200 लाख करोड़ हम लोग बाजार में साल में खर्च कर रहे हैं। जरा सा बात है, इस देश की जीडीपी में हम लोगों का जो खर्च है वह 56% कंट्रीब्यूट करता है। पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड, 4.8 trillion dollar टारगेट फॉर 3.8 trillion और 4 trillion के आसपास हमारा इकोनॉमी है, उसका 56% हम लोग बाजार में खर्च कर रहे हैं। बाजार कितना एक्सपैंड कर रहा है, दुनिया भर के लोग यहां आ रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में है, आप उसके हल्के में ले रहे हैं, तो भाई आपके अंदर पर फिर भगवान ही प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सॉरी अगर मैंने खड़ी बात कर, आपके हाथ में हीरा लग गया है, लेकिन अगर आप उसको पेपर वेट समझ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके हाथ में, आपके मुस्तकबिल में वो बिजनेस आया है जो आने वाले 5 साल में चीजों को एकदम बदल कर रख देगा। पहले उसके मैनेजमेंट लेवल पर आपने देखा कितना चेंजेज हुआ है, अभी कुछ और चेंजेज हुए। दूसरा फ्रंट है इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर, आपको अंदाजा नहीं कि आने वाले सितंबर में नया साल शुरू होगा, इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कितनी चीजें ऐड हो रही है। और तीसरा और अंतिम फ्रंट जिस पर काम कर रहा है, दिस बिजनेस विल बी लाइक अ केक वॉक,
पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम हो रहा है, रेगुलेटरी इश्यूज पर काम हो रहा है। सितंबर से आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड पर बढ़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपने ग्राउंड बनाया है कि नहीं, आपने रन में बनाया है। युद्ध जीतने के लिए अगर एयर, अगर हवाई जहाज की जरूरत है तो रनवे की। आप इतिहास को पढ़िएगा, जब 1947 में कश्मीर में अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने, जनरल मानेकशॉ इस देश के हीरो सैल्यूट करते हैं उस शख्स को। कभी पढ़िए उसके पिक्चर को, देखिए सैम बहादुर, कहा कि रनवे नहीं है, शाम तक लौटना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे सिपाही, हमारे जवान मसाल लेकर के खड़ा रहेंगे। इस रनवे पर आपको मसाल लेकर के खड़ा रहना होगा, क्योंकि आपके एयरपोर्ट पर आने वाला है जहाज और उड़ने वाला है। इसी के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, हम आपको यह बताने के लिए आए हैं वो जहाज फुली लोडेड है। हम आपको यह बताने के लिए आए हैं कि सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन प्रश्न ये उठता है आप जागे हैं कि नहीं जागे, क्योंकि युद्ध जीतने के पहले तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको स्मरण फिर से महाभारत का दिला दें, जब युद्ध की ठन गई तो दुर्योधन के कान में भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण की वीरता की इतनी मोटी हुई फूसी हुई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा। और जहां अर्जुन विलासिता में डूब गया, वहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, ये जो समय एक कालखंड है जिसमें तुमको लग रहा है कि अवसाद है, तुमको लग रहा है कि चीजें नीचे चली गई, तुमको लगता है हम क्या करें, तुमको लगता है हमारा राज छीन गया, तुमको लगता है तुम अपमानित हुए, इस समय को तुम तैयारी में बिताओ। और उसने प्रतिज्ञा की, तपस्या किया, उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए, पशुपतास्त्र प्राप्त किए, उसने नाचना भी सीखा, मृदंग भी बजाना सीखा। और जब युद्ध की रणभेरी हुई तो वही पांडव विजय हुए। मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि युद्ध की रणभेरी बजने वाली है, आप इन 5 महीनों में क्या तैयारी करते हैं यही आपको विजेता साबित करेगा, यही साबित करेगा। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले फिर से भगवान कृष्ण को याद करता हूं, याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में उसी परमपिता परमेश्वर का निवास है। भगवान ने कहा कि हर प्राणियों की आत्मा में मैं निवास करता हूं। 10वें अध्याय को पढ़िएगा, अहम आत्मा गुड़ा केशव सर्वभूता सह स्थित अहम आदिष्ट मध्यम च भूत नामन्ते। हर प्राणियों की आत्मा में मैं निवास करता हूं। अगर ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड आपके शरीर के एक एक कण में, एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में है, तो इसका मतलब है कि आप किसी से कमजोर नहीं। आप वो सब कर सकते हैं जो एक क्राउन एम्बेसडर किया है, आप वो सब कर सकते हैं जो फाउंडर क्राउन एम्बेसडर किया है। इसलिए चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ समय, रफ्तार और उस रास्ते की तलाश करें। याद, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखें, क्योंकि यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेहनत से नहीं हो सकता, आपके कर्म, आपके धर्म, आपकी आस्था, आपकी अच्छी नीयत का भी प्रश्न है। मैंने शुरू में कहा था कि जब दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इंसान को नहीं बदल सकती, इंसान है, उसके अंदर दिल है, उसके अंदर जज्बात है, उसके अंदर इमोशन है। इसलिए अगर आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उसी परमपिता परमेश्वर को यहां फील कीजिए। जब अर्जुन युद्ध में घबरा गया, सेना देखकर नर्वस हो गया, तो भगवान कृष्ण आए, बोले क्यों चिंता करते हो, मैं तुम में हूं, जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं, इस धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ है मैं। इसलिए याद रखिएगा, इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन एक शब्द है, मैं अहम का प्रतीक। ईश्वर को छोड़ के और कोई मैं नहीं बोल सकता, हम बोलना चाहिए, हमारी टीम बोलनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सिर्फ मैं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पार्थ, इस दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ है मैं हूं, और चूंकि मैं तुम में हूं इसलिए तुम भी सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने कहा कि अक्षरों में ओंकार भी मैं हूं, पर्वतों में सुमेरु भी मैं ही हूं, गंगा नदी में गंगा भी मैं हूं, जलचरों में मगरमच्छ भी मैं ही हूं। उन्होंने कहा कि शस्त्रों में वज्र भी मैं हूं, सेनापतियों में स्कंद भी मैं हूं, वृक्षों में पीपल भी मैं हूं, राजाओं में राम भी मैं हूं, शंकर भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं,
अश्व में अश्व उच्च सर्वा में मैं हूं, महिला में क्षमा धृति दया मैं हूं, पवन पवताम अस्मी राम शत्र वृताम हम जसा नाम मकरश्चास्मी स्रोत सामस्मी जहानवी। जिस तरह से पवन सभी दुर्गंध को साफ कर देता है, उसी तरह से पवन की झोंके की तरह अगर तुम जीवन में बहोगे सब गंदगी को जुड़ा दोगे। आप और हम मिलकर के समाज में इस नकारात्मक को दूर कर देंगे। हम लोगों की नकारात्मक दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, भगवान की आत्मा आप में है, भगवान का एक एक कण आप में है, आप सब श्रेष्ठ हैं। शंकर भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं, ब्रह्मा भी आप हैं। इसलिए उठाइए वो शस्त्र, उठाइए कुनीर, उठाइए पेन, उठाइए मार्कर, उठाइए लैपटॉप, उठाइए पेनटॉप, उठाइए डेमो के और निकल चलिए लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बनाने का। हम तो चले थे अकेले मंजिल जाने, मगर लोग मिलते रहे कारवां बनता गया। दिल खोल के लोगों को प्यार बांटिए, लोगों में होप दीजिए, विश्वास दीजिए, यकीन दीजिए यह कारवां चलेगा। 2024 के सितंबर से ऊंचाई उड़ने के लिए तैयार है, प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। हम आपका आह्वान करते हैं, कम एंड ज्वाइन अस एंड गो क्राउन गो डायमंड। We are crowned. Thank you so much. Thank you so much.